What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 4 मई 2020 मंडे है, सुबह के 8:22 हो रहे हैं। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और इस मंथ का भी पहला ट्रेडिंग सेशन है। नया मंथ शुरू हो चुका है, तो लास्ट थर्सडे जो हमने एनालिसिस किया था उसका पहले क्विकली रिव्यू करेंगे और उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। मंथली चार्ट भी देखेंगे क्योंकि इस महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन है, तो हर महीने हम फर्स्ट डे को एक एनालिसिस करते हैं, मंथली एनालिसिस भी वो भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये थर्सडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है थर्सडे का, यानी 30 अप्रैल आपका मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर उस दिन का वीडियो आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो थर्सडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9736। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे, उस दिन का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू कुछ लेवल्स हमने प्लॉट किए थे, उसका ब्रेकआउट लेवल हमने मार्क किया था 138.3 के आसपास। जो लेवल आ रहा था वो हमने ब्रेकआउट लेवल एज अ मार्क किया था और 168 रेशो के पास जहां पर ये सेकेंड टारगेट आ रहा था वहां पर हमने हमारा सेकेंड टारगेट यहाँ पे प्लॉट किया था। तो जैसे कि देख रहे एग्जैक्ट ये ओपन हुआ था 138.2 के रेशियो के आसपास और वहां से इसने और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव दिखाया और हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। काफी देर इस लेवल के बीच में ये ट्रेड कर रहा था, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग थी ऊपरी लेवल्स के आसपास, लेकिन जो लेवल्स हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए थे उसी के मुताबिक यहाँ पर काफी समय इन लेवल्स के पास इसने बिताया। तो थर्सडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो 52 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 39,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था थर्सडे के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते। यूएस मार्केट फ्राइडे को जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुए। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से एक बार, जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर था, वो फिर से एक बार नया दौर शुरू कर सकते हैं ऐसा कहा। उस बयान के बाद फिर से वहां पर मार्केट में ये परेशानी देखने को मिली, प्रेशर देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लाल निशान में बंद हुए थे फ्राइडे को। आज एशियाई बाजार जब ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी माइनस में ओपन हुआ था और अभी रिकवर करते हुए 53 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। और निकेई मार्केट आज जापानीज इंडेक्स बंद है, वहां पर हॉलीडे है और बाकी अलग चाइना मार्केट देखे, हांगकांग मार्केट देखे तो अभी इस समय वो भी काफी प्रेशर में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो अभी 236 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में फिर से एक बार प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। ये मंथली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। हमने कई बार मंथली इंडेक्स को एनालिसिस किया है अपने स्पेशल वीडियोस में, जहां पर हमने दो क्राइसिस है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, एक नेचुरल क्राइसिस, उस वीडियो में भी इसे एनालिसिस किया था। तो अभी 2008 का ये पोर्शन है 2008 और ये अभी है 2020। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने ये जो ग्रे लाइन है 100 EMA का, ये ग्रे लाइन है, यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया था 2008 में। काफी देर, मतलब ये 4-5 महीना इस लेवल को ये सपोर्ट एज सपोर्ट टेस्ट कर रहा था और इसके बाद यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ। और यहाँ पर अभी देखिए सेम सिचुएशन है, ये जो मार्च का कैंडल है काफी लंबा लॉन्ग बियरिश कैंडल स्टिक है, ऐसा कभी कैंडल नहीं बना था निफ्टी इंडेक्स के हिस्ट्री में। तो मार्च का ये जो कैंडल है अभी, इसका ये जो 50% का रिट्रेसमेंट है, ये इसने फिर से एक बार यहाँ पर ऑलमोस्ट अचीव किया है इस कैंडल का 50% का रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर हो सकता है ये 100 EMA का ये फिर से एक बार 2008 की तरह यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करे, एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज दिखाए 2-3 महीना, क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन का तीसरा पार्ट शुरू हुआ है इंडिया में, तो इसके बाद अभी अगर वैक्सीन आता है तो हर एक बिजनेस जैसे पहले थे वहां जैसे ही अभी फिर से स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखें तो वैक्सीन अभी भी ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे हैं, ट्रायल्स चल रहा है, आ सकता है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जब तक वो WHO या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी से ये डिक्लेयर नहीं होता तब तक यहाँ पर पैनिक सिचुएशन बना रहेगा कोरोना वायरस के वजह से। और अगर ये अगर फॉल आप देखें तो ये 2008 का ये जो फॉल है
ये टोटल 60% का करेक्शन था, यानी जो ऑलमोस्ट जीरो टू जहां तक ये निफ्टी इंडेक्स 2008 में हाईज लगाया था, यानी ऑलमोस्ट 6,350 के पास, वहां से ये 60% ये करेक्ट हुआ था। और अभी ये कितना हुआ है एक बार मेजर कर लेते हैं। ये काइट है यानी जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें एक ऑप्शन है प्राइस रेंज को मेजर करने के लिए। इसके लिए हम यहाँ पर ये मंथली चार्ट देखेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन है प्राइस रेंज का। तो अगर मैं ये 2008 का ये करेक्शन अगर मैं मेजर करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 64 पॉइंट का करेक्शन हुआ था, 64% का यहाँ पर ये करेक्शन हुआ था। और अभी इस समय अगर 2020 में अगर हम ये देखें, ये टॉप पकड़ा और ये अभी करेक्शन का बॉटम पकड़ा, तो अभी ये ऑलमोस्ट 40% का ही करेक्शन हुआ है, यानी जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वहां पर लगभग 60% ओवरऑल निफ्टी 60% करेक्ट हुआ था, लेकिन अभी ये नेचुरल क्राइसिस में 40% ये करेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो हो सकता है अगर हिस्ट्री रिपीट होता है तो हो सकता है अगर यहाँ से इसके बाद रिसेशन का पीरियड आता है और ये अगर पैंडेमिक है ये और लंबा खींचता है अगर दिसंबर तक, तो यहाँ से सिचुएशन जो है वो बदतर बन सकती है। लेकिन उससे पहले ये जो लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक बना है इसका लो अगर ये ब्रेक करता है तो ही यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा कि यहाँ से रिसेशन का पीरियड चालू हुआ है और यहाँ से और भी प्रेशर हमें मार्केट्स में देखने को मिलता है। अदरवाइज जब तक ये 100 EMA है, ये जो ग्रे लाइन है इसके ऊपर जब तक ये सस्टेन करता है, तो एक चांसेस बना रहेगा कि यहाँ से फिर से अपसाइड मूव हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिले। तो टेक्निकली अभी ये 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है मंथली चार्ट में, इसके पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये फिलहाल है सिनारियो मंथली चार्ट का। चलते हैं वीकली चार्ट पे। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी इस करेक्शन का टॉप और बॉटम पकड़ के हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, तो इसका अभी लगभग 50% का ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है ये ऑलमोस्ट अभी लगभग अचीव हो चुका है, यानी 9,900 तक निफ्टी लास्ट थर्सडे हमें यहाँ से ऊपर टॉप लगाते हुए दिखाई दिया। लेकिन अगर इसे 50% के ऊपर अगर सस्टेन करना है तो इसके बाद तुरंत ये 20 EMA का ये रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि अराउंड 10,300 के पास है। तो हो सकता है इन लेवल्स के पास ये रेजिस्टेंस फेस करे। पहले तो 9,970 को कंफर्टेबली पार करना होगा, फिर 10,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट हो तो इन लेवल्स 9,390 और उसके बाद 8,670 इन लेवल्स के पास फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट करे, तो यहाँ पर यह देखने होगा ये 20 EMA को फिर से एक बार ये ब्रिज करता है, इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं, फिर से एक बार ग्लोबल मार्केट्स में हमें प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है निफ्टी इंडेक्स ये 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर अचीव करने के बाद फिर से एक बार छोटा करेक्शन यहाँ पर दिखा सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट को अभी देखें तो 20 EMA के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है डेली चार्ट में, और इसने लास्ट थर्सडे ये गैप अप ओपन हुआ और 50 EMA ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर ये सस्टेन हुआ। इसके तुरंत बाद 9,970 का रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस लेवल के पास एक रेजिस्टेंस फेस करे और एक छोटा करेक्शन यहाँ पर दिखाए। तो अगर ये टूवर्ड्स फिर से साउथ की तरफ आता है तो पहला तो ये जो लेवल है 9,390 ये हो सकता है सपोर्ट का काम करे, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हुआ था पास्ट में, एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर देखने को मिला था और इसका ब्रेकआउट हमें वेनसडे को मिला था, तो इस लेवल के पास हो सकता है एक सपोर्ट टेस्ट करे और ऊपर 9,970 का रेजिस्टेंस होगा। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल था ये जो हमने थर्सडे को ड्रॉ किया था। आज अगर ये थर्सडे का हाई अगर ब्रेक करता है यानी 9,887 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,920, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 9,951, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है फिर से एक बार तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है एक करेक्शन देखने को मिले, और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ ये कंटिन्यूस मूव होता है तो ये थर्सडे का लो ब्रेक होने दीजिए
अगर ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर चांसेस होंगे ये जो गैप क्रिएट हुआ है वो फिल हो सकता है। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है टुवर्ड साउथ की तरफ तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,694, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा तभी हमारा पिवट पॉइंट का S2 का लेवल यानी 9,669, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।